कोसीकलां में पुराना जीटी रोड पर हो रहे सड़क निर्माण कार्य का दुकानदारों ने विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि बगैर खुदाई करे सड़क निर्माण से बरसात के दिनों में दुकानों में पानी भरने की संभावना है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद प्राधिकरण के अधिकारी भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। नगर पालिका परिषद कोसीकला क्षेत्र में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा पुराना जीटी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर रोजाना राजनीति हो रही है, लेकिन सड़क निर्माण से नगर के दुकानदार खुश नहीं हैं, जहां प्राधिकरण के अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। ठेकेदार अपनी मर्जी से माल लगाकर कार्य कर रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि कुछ अधिकारी ठेकेदार से मिलकर कार्य कर रहे हैं। जब सड़क का टेंडर हुआ था तब सड़क 6 इंच खुदाई करके बनती, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई खुदाई नहीं कराई जा रही है। सड़क दुकानों से ऊंची हो रही है, जिसकी चपेट में सैकड़ों दुकानों में जलभराव की संभावना है। कोई अधिकारी मौके पर देखने नहीं आता है, नेताओं से मिल फोटो खिंचा कर चले जाते हैं। शनिवार की दोपहर दर्जनों दुकानदारों ने लामबंद होकर सड़क निर्माण का विरोध किया। आपको बता दें कि पुराना जीटी रोड का ठेका करोड़ों में उठा है, लेकिन इसमें आधा पैसा भी ठेकेदार द्वारा नहीं लगाया जा रहा। प्राधिकरण अधिकारियों की मिलीभगत से बगैर गुणवत्ता के सड़क निर्माण हो रहा है। दुकानदार पिंटू सैनी ने बताया कि सड़क में घटिया सरिया का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी कहीं कहीं डाली जा रही है। जो सड़क बन रही है ये हमारे हिसाब से गलत बन रही है, क्योंकि ये जो डमरू उखाड़े हैं, उखाड़ने के बाद में जो मिट्टी है उसी पर ये डामर लेवल बना देते हैं। ना इसके नीचे से कोई मतलब बेस बना रहे हैं, ना मतलब जो सरिया जो लगा रही है वो बिल्कुल पतली लगा रहे हैं और सरिया को जूं ही घेर देते हैं। और इस पर कम से कम 150 टन का जो ट्रक है और हमारी गिट्टी आती है कामा से और इसी से निकलते हैं सारे। और ये ओल्ड जीटी रोड है, ये और यहाँ से 2 महीने में 3 महीने में ये सारी सड़क बैठ जाती है। तो ये है कि ये अभी डमरू हटने के बाद में इसमें से और मट्टी उठनी चाहिए। अब क्या है कि इस पर खाली डमरू को गाड़ के इन पर बेस बनाया जा रहा है, इसमें मट्टी और उखड़े, क्योंकि सड़क बहुत ज़्यादा ऊंची है तो दुकानों में पानी भरेगा। तो अभी इसमें से यहाँ से मिट्टी और घुटनी चाहिए। अब ये आप देख लीजिए, डमरू उखाड़ने के बाद इसमें बेस बनाया जा रहा है, ये गलत है। इससे अभी कम से कम 6 इंची और यहाँ से मिट्टी उठे डमरुओं के बाद में, तभी ये रोड बनाया जाए जिससे कि ये दुकानें नीची ना हो और इनमें पानी ना जाए।